हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में ड्राइवर भर्ती से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप दिल्ली पुलिस ड्राइवर भर्ती एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो लास्ट तक पूरा देखें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस वीडियो में हम ड्राइवर पार्ट से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ये हमारा सेकंड प्रैक्टिस सेट रहेगा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, पैदल यात्री सड़क पार करते हैं, का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, जेब्रा क्रॉसिंग से। जेब्रा क्रॉसिंग से पैदल यात्री सड़क पार करते हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका ब्लाइंड स्पॉट क्या है? आपका ब्लाइंड स्पॉट क्या है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, एक क्षेत्र जो आपके दाहिने दर्पण द्वारा कवर नहीं किया गया है। आपका ब्लाइंड स्पॉट क्या है? एक क्षेत्र जो आपके दाहिने दर्पण द्वारा कवर नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर रहेगा 1988, ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा, NHAI की स्थापना 1988 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार का आविष्कार किस वर्ष हुआ था? कार का आविष्कार 1886 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, LTV का पूरा नाम क्या है? LTV का पूरा नाम लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। LTV का पूरा नाम लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राइविंग सीट के सामने वाले पारदर्शी कांच को क्या कहा जाता है? ड्राइविंग सीट के सामने वाले पारदर्शी कांच को कहा जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा, विंडशील्ड ग्लास। विंडशील्ड ग्लास कहा जाता है ड्राइविंग सीट के सामने वाले पारदर्शी कांच को, विंडशील्ड ग्लास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाने का अपराध किस एक्ट के अंतर्गत आता है? लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाने का अपराध किस एक्ट के अंतर्गत आता है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 3181 के अंतर्गत आता है, धारा 3181 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यातायात के संकेत मूल रूप से कितने प्रकार के होते हैं? यातायात के संकेत मूल रूप से तीन प्रकार के होते हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा, यातायात के संकेत मूल रूप से तीन प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटरयान प्रदूषण जांच केंद्र किस वर्ष बना? मोटरयान जा प्रदूषण जांच केंद्र किस वर्ष बना? राइट आंसर रहेगा 2005, ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा, मोटरयान प्रदूषण जांच केंद्र 2005 में बना, ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुगाली करने वाले पशु किस ग्रीन हाउस गैस को उत्पन्न करते हैं? जुगाली करने वाले पशु मिथेन गैस को उत्पन्न करते हैं, मिथेन गैस का आणविक सूत्र रहेगा CH4। जुगाली करने वाले पशु किस ग्रीन हाउस गैस को उत्पन्न करते हैं? CH4 गैस को उत्पन्न करते हैं, मिथेन गैस को उत्पन्न करते हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन मफलर पद्धति से आप क्या समझते हैं? ग्रीन मफलर पद्धति से आप क्या समझते हैं? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ध्वनि प्रदूषण को रोकने हेतु सड़कों कारखानों इत्यादि जगहों पर पंक्ति में वृक्षारोपण करना। ध्वनि प्रदूषण को रोकने हेतु सड़कों कारखानों इत्यादि जगहों पर पंक्ति में वृक्षारोपण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में ध्वनि की चाल क्या है? वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड है, ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड है, ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि प्रदूषण अधिनियम किस वर्ष बना? ध्वनि प्रदूषण अधिनियम 2000 में बना।
ध्वनि प्रदूषण अधिनियम 2000 में बना। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीएनजी को पारिस्थितिकी मैत्रीपूर्ण क्यों कहा जाता है? सीएनजी को पारिस्थितिकी मैत्रीपूर्ण क्यों कहा जाता है? राइट आंसर रहेगा, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत कम होती है। सीएनजी को पारिस्थितिकी मैत्रीपूर्ण क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बहुत कम होती है, इसलिए ये पारिस्थितिकी मैत्रीपूर्ण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलियम शब्द का क्या अर्थ है? ओलियम शब्द का क्या अर्थ है? राइट आंसर रहेगा तेल। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा, ओलियम शब्द का अर्थ होता है तेल। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलते पेट्रोल को पानी नहीं बुझा पाता क्योंकि? जलते पेट्रोल को पानी नहीं बुझा पाता क्योंकि अपने सापेक्ष घनत्व के कारण पेट्रोल पानी पर तैरता है। जलते हुए पेट्रोल को पानी से नहीं बुझा सकते क्योंकि अपने सापेक्ष घनत्व के कारण पेट्रोल पानी पर तैरता है। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की कौन सी धारा ड्राइविंग लाइसेंस प्रदान करने से संबंधित है? मोटर वाहन अधिनियम 1988 की कौन सी धारा ड्राइविंग लाइसेंस प्रदान करने से संबंधित है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 9। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 9 ड्राइविंग लाइसेंस प्रदान करने से संबंधित है। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टॉप चिन्ह क्या है? स्टॉप चिन्ह क्या है? स्टॉप चिन्ह अष्टकोणीय आकार का होता है। स्टॉप चिन्ह अष्टकोणीय आकार का होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के अनुसार हिट एंड रन मामले में कितना मुआवजा मिलता है? मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के अनुसार हिट एंड रन मामले में कितना मुआवजा मिलता है? का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 2 लाख रुपये। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा, 2 लाख रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी मोटर वाहनों को बीमा द्वारा कवर किया जाना चाहिए। सभी मोटर वाहनों को तृतीय पक्ष बीमा द्वारा कवर किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल से लगी आग को बुझाने के लिए काम में लिया जाना चाहिए। तेल से लगी आग को बुझाने के लिए किसको काम में लिया जाना चाहिए? तेल से लगी आग को हम किस प्रकार बुझा सकते हैं? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, फोम फायर एक्सटिंग्विशर। फोम फायर एक्सटिंग्विशर ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आप एक मोटर दुर्घटना में शामिल हैं तो इसकी सूचना आपको पुलिस स्टेशन में कब तक करनी होगी? यदि आप एक मोटर दुर्घटना में शामिल हैं तो इसकी सूचना आपको पुलिस स्टेशन में कब तक करनी होगी? ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा, 24 घंटे के अंदर आपको पुलिस स्टेशन में सूचना करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना सहायता सेवा योजना किसके द्वारा शुरू की गई? राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना सहायता सेवा योजना किसके द्वारा शुरू की गई? ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना सहायता सेवा योजना सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाना निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत अपराध है? बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाना किस धारा के अंतर्गत अपराध है? ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा, 143। बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाना निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत अपराध है? 143/193 धारा के अंतर्गत अपराध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम वी एक्ट की फुल फॉर्म क्या होती है? एम वी एक्ट का
फुल फॉर्म क्या होता है? एमवी एक्ट का फुल फॉर्म होता है मोटर व्हीकल एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, एमवी एक्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? मोटर व्हीकल एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहन मार्ग पर एक लगातार अकेली पीली सफ़ेद रेखा क्या सूचित करती है? वाहन मार्ग पर अकेली पीली सफ़ेद रेखा क्या सूचित करती है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, पार्क करना निषेध है, पार्क करना निषेध है, इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसकी गाड़ी नो पार्किंग में भी खड़ी हो सकती है? निम्न में किसकी गाड़ी नो पार्किंग में भी खड़ी हो सकती है? राइट आंसर रहेगा शारीरिक विकलांग व्यक्ति की, शारीरिक विकलांग व्यक्ति की गाड़ी नो पार्किंग में भी खड़ी हो सकती है, ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शील्ड बीम हेडलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? शील्ड बीम हेडलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? राइट आंसर रहेगा आर्गन गैस, ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। शील्ड बीम हेडलाइट में आर्गन गैस भरी जाती है, ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉग लैंप का उपयोग कब किया जाता है? फॉग लैंप का उपयोग किया जाता है जब धुंध हो, तब फॉग लैंप का उपयोग किया जाता है, धुंध के समय फॉग लैंप का इस्तेमाल करना चाहिए, ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉक ऑब्जर्वर मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा, तीन प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एबीएस फंक्शन में किसके मापन की आवश्यकता होती है? एबीएस फंक्शन में पहिए के घूर्णन की मापन की आवश्यकता होती है, एबीएस फंक्शन में पहिए के घूर्णन की मापन की आवश्यकता होती है, ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहन के पार्क होने पर ब्रेक का उपयोग किया जाता है जो कि है? वाहन के पार्क होने पर ब्रेक का उपयोग किया जाता है जो कि है? राइट आंसर रहेगा यांत्रिक ब्रेक, ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाड़ी को विराम अवस्था में करने के लिए कौन सा गियर डाला जाता है? गाड़ी को विराम अवस्था में करने के लिए कौन सा गियर डाला जाता है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए पहला गियर, ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 45 डिग्री के कोण पर 45 डिग्री के कोण पर शक्ति संचालन करने वाला किस टाइप का यूनिवर्सल ज्वाइंट है? ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा क्रॉस एंड योक टाइप, ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु और पेट्रोल का सैद्धांतिक रूप से सटीक मिश्रण अनुपात इनमें से क्या है? वायु और पेट्रोल का सैद्धांतिक रूप से सटीक मिश्रण इनमें से क्या है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा 15:1, 15:1 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोरेटर का किस में उपयोग होता है? कार्बोरेटर का किस में उपयोग होता है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए पेट्रोल और वायु की आपूर्ति करना, पेट्रोल और वायु की आपूर्ति करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटरी की अक्षमता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? बैटरी की अक्षमता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी एम्पियर घंटे रेटिंग में, एम्पियर घंटे रेटिंग में बैटरी की अक्षमता को व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक सेल में सबसे कम वोल्टेज होते हैं कौन से? प्राथमिक सेल में सबसे कम वोल्टेज होते हैं? राइट आंसर रहेगा पारा, ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा, पारा प्राथमिक सेल में सबसे कम वोल्टेज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिंटल नोजल में स्प्रे कोण क्या है? पिंटल नोजल में स्प्रे कोण क्या है? राइट आंसर रहेगा 60 डिग्री, 60 डिग्री, ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पाइप के माध्यम से अतिरिक्त ईंधन को ईंधन टंकी में वापस भेजा जाता है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी अति प्रवाह पाइप के माध्यम से।
किस पाइप के माध्यम से अतिरिक्त ईंधन को ईंधन टंकी में वापस भेजा जाता है? राइट आंसर रहेगा अति प्रवाह पाइप के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहन को कहाँ पंजीकृत कराया जाता है? वाहन को कहाँ पंजीकृत कराया जाता है, रजिस्ट्रेशन कहाँ कराया जाता है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, आरटीओ द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरटीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? आरटीओ का फुल फॉर्म होता है रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा, आरटीओ का फुल फॉर्म होता है रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजीकरण के प्रमाण पत्र के लिए इस नंबर का फॉर्म भरा जाता है? पंजीकरण के प्रमाण पत्र के लिए फॉर्म नंबर 23 को भरा जाता है। पंजीकरण के प्रमाण पत्र के लिए फॉर्म नंबर 23 को भरा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राइवर किसे कहते हैं? किसी वाहन को अपने चालन कौशल के माध्यम से गति प्रदान करने वाला चालक अथवा ड्राइवर कहलाता है। किसी वाहन को अपने चालन कौशल के माध्यम से गति प्रदान करने वाला चालक अथवा ड्राइवर कहलाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसटीए का फुल फॉर्म क्या है? एसटीए का फुल फॉर्म स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा, एसटीए का फुल फॉर्म होता है स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रेंट एक कैब योजना कब शुरू की गई थी? भारत में रेंट एक कैब योजना 1989 में शुरू की गई थी। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, भारत में रेंट एक कैब योजना कब शुरू की गई? 1989 ईस्वी में शुरू की गई थी। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहन को परमिट किसके द्वारा दिया जाता है? वाहन को परमिट राज्य परिवहन अधिकरण द्वारा दिया जाता है। वाहन को परमिट राज्य परिवहन अधिकरण द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, IRDAI का फुल फॉर्म क्या है? IRDAI का फुल फॉर्म इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा, IRDAI का फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन बीमा निगम अस्तित्व में कब आया? जीवन बीमा निगम 1 सितंबर 1956 को अस्तित्व में आया। जीवन बीमा निगम 1 सितंबर 1956 को अस्तित्व में आया। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, IRDAI का मुख्यालय कहाँ है? IRDAI का मुख्यालय कहाँ है? राइट आंसर रहेगा हैदराबाद। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा, IRDAI का मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें।